हेलो एवरीवन, आज हम ऑरेंज कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। आपके पास कोई भी सर्कल वाली चीज़ होंगी, उससे उसका यूज़ करके आप एक सर्कल बना लीजिए। साइड में आप उसी सर्कल के साइज़ का एक लाइन खींचो, और देखो जिस साइज़ से हमने सर्कल निकाला था उसी का यूज़ करके हमें एक हाफ सर्कल निकालना है, और बीच वाला ये पार्ट हम इरेज कर देंगे। यहाँ पर जो डेट होता है ऊपर वाला वो निकाल लेंगे, डंडी उसकी, और यहाँ पर कुछ उसके पत्ते। यहाँ पर देखो, हमने जो हाफ सर्कल निकाला था सेम वैसे ही हमें थोड़ा सा हर साइड में सेम साइज आए ऐसा एक फिर से एक छोटा वाला सर्कल निकाल लेना है, और पीछे से भी एक थोड़ा सा और ऐसे। और यहाँ पर बीच में हम एक छोटा सा सर्कल लेंगे और ऐसे लाइन निकाल लेंगे। यहाँ पे जो लाइंस निकाले बीच में ऐसा शेप देंगे उसके ऊपर, और यहाँ पर भी देखो ऊपर से ऐसे। अब इसे हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, क्योंकि कलर करते वक्त पेंसिल के जो ग्रेफाइट कलर होते हैं वो कलर के अंदर आके हमारा कलर मतलब जो पेंटिंग होता है वो ख़राब दिखता है, इसीलिए थोड़ा सा लाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने उसे लाइट कर लिया है, अब हम उसे स्केच पेन से अच्छे से बॉर्डर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है, देखो ये बॉर्डर बन के तैयार हो गई। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दो लीफ ऐड कर दिया। आप चाहे तो और भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास है तो आप यूज़ कर लो। यहाँ पर मैं एक फ्लावर बना लेती हूँ, जो कि छोटा सा फ्लावर होता है संतरे का। ऑरेंज के जो छोटे छोटे फ्लावर्स या फिर छोटी छोटी कलियाँ होती है वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। देखो यहाँ पर कुछ एक आध दो पत्ते भी निकाल लेती हूँ। ये बन गया हमारा ड्राइंग कंप्लीट। अब इसे हम कलरिंग करेंगे। ऑयल पेस्टर कलर से कलर करना है। अगर ऑयल पेस्टर कलर से कलर करोगे तो शेडिंग बहुत अच्छे से कर सकोगे। अगर आप दूसरे कोई कलर यूज़ कर रहे हो तो आपको शेडिंग थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं डोम्स के ऑयल पेस्टर के कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं येलो कलर से स्टार्ट कर रही हूँ। कभी भी लाइट टू डार्क कलर करने चाहिए, हमेशा याद रखो। यहाँ पर येलो कलर थोड़ा सा जो डार्क येलो होता है वो ले लिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैं ऑरेंज कलर से दूसरे साइड में बॉर्डर कर लेती हूँ। पहले बॉर्डर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप बॉर्डर नहीं करोगे तो अपने कलर बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए बॉर्डर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने बॉर्डर कर ली, अब बीच वाला पार्ट मैं अच्छे से पूरा ऑरेंज कर लूँगी। देखो यहाँ पर ये पूरा पार्ट मैंने लाइट ऑरेंज कलर से कर लिया है। ये पूरा होने के बाद हम डार्क ऑरेंज कलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर येलो कलर से हमने फिर से थोड़ी सी शेडिंग ऐड कर ली है, और बाकी सभी पार्ट पर हमने ऑरेंज कलर फिल कर दिया। देखो अगर बीच बीच में ऐसे वाइट वाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी ब्लेंडिंग टूल्स की मदद से आप उसे हाइड कर सकते हो। यहाँ पर मैं ये पूरे पार्ट्स हाइड करने वाली हूँ ताकि वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, एक टिश्यू पेपर ले रही हूँ, उसकी अच्छे से छोटी सी फोल्ड करनी है, और बाद में लास्ट में उसका ट्रायंगल जो निडल बन के आता है उसकी मदद से हम इसे ब्लेंड करेंगे। अच्छे से ब्लेंड करना है, और ब्लेंडिंग करते समय हमेशा याद रखो कि लाइट टू डार्क जाना होता है। अगर आप डार्क टू लाइट आने की कोशिश करोगे तो फिर लाइट कलर पे वो डार्क कलर के पैचेस दिखाई देंगे, फिर वो अच्छे नहीं दिखाई देंगे। देखो कितनी स्मूथली जो व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स थे हमारे वो हाइड हो चुके हैं, और अच्छे से हमारे शेडिंग बन के तैयार हो गई है। देखो यहाँ पर अब हम डार्क ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे थोड़ा सा, और बाद में पैरेट ग्रीन कलर। अभी पैरेट ग्रीन कलर हमें जहाँ जहाँ देना है वहाँ हर जगह पर हम दे देंगे।
जहाँ पर भी हमें जो लीफ दिखाई देते हैं या फिर हमें जहाँ कहाँ पर देना है वहाँ पर। लेकिन आप देखो जो लीफ है मैंने हर जगह पे नहीं दिया, थोड़ा सा व्हाइट स्पॉट छोड़ दिया है क्योंकि उसके अंदर हम येलो की शेडिंग कर देंगे। अभी ये फ्लावर है, फ्लावर के बैकग्राउंड में भी मैंने थोड़ा सा पैरेट ग्रीन कलर दे दिया है ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड इफेक्ट दिखाई दे इसके लिए। अभी यहाँ पे ग्रीन के बाजू में जो मैंने व्हाइट पार्ट छोटा छोड़ा था वहाँ पर मैं येलो कलर फिल कर रही हूँ ताकि वो जो पत्ते हैं वो अच्छे से शेडिंग में दिखाई दे। हर एक पत्ते के आजू बाजू में हम येलो कलर दे देंगे। ये जो साइड के किनार है यहाँ पर हम लाइट लेमन येलो कलर दे देंगे क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा लाइट होता है, तो हमने वहाँ पर लेमन येलो कलर दे दिया। और देखो एक ही डायरेक्शन में हमने ये येलो कलर दे दिया। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके डार्क कलर की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे डार्क येलो कलर, अगर आपके पास नहीं है डार्क येलो कलर तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ऑरेंज कलर भी दिया आपने तो भी चलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर ले लिया है। ये ऑरेंज कलर से हमें पूरा फिल कर देना है। यहाँ पे ऐसे, और ये साइड वाला जो छिलका होता है उसका वहां पर भी हमें ऑरेंज कलर ही देना है। उसके बाद हम फिर से थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कलर का यूज करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा रेड कलर भी उसके ऊपर चला सकते हो। इसे भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो जो हमने लेमन येलो दिया था उसके ऊपर मैं व्हाइट कलर दे रही हूँ ताकि वो और भी थोड़ा सा लाइट दिखाई दे। उसके बाद देखो यहाँ पर अच्छे से हम ब्लेंडिंग करेंगे। तो ब्लेंडिंग करते समय हमेशा याद रखो लाइट टू डार्क जाना है। तो यहाँ पे जो लाइट कलर है वो लेमन येलो कलर है, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। हर जगह पे जहाँ जहाँ येलो कलर है वहाँ पे हमने ब्लेंडिंग कर ली। उसके बाद देखो यहाँ पे जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे वो सब हमने हाइड कर लिए है। उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पर भी सेम। अब जो फ्लावर है, फ्लावर को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पर्पल कलर दे दिया और टिश्यू पेपर की मदद से हम उसे भी ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट कलर दे रही हूँ ताकि वो ब्लेंड अच्छे से हो पाए। तो देखो देखो टिश्यू पेपर यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल ही टिश्यू पेपर यूज करती हूँ और हर कलर के मतलब जैसे जैसे कलर चेंज होते हैं वैसे वैसे टिश्यू पेपर की साइड भी चेंज कर लेती हूँ क्योंकि वो कलर एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो। तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड फ्लावर के पीछे मैंने पैरेट ग्रीन कलर दे दिया था, उसे थोड़ा सा मर्ज करके हम आजू बाजू में ब्लर करेंगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड इफेक्ट देना था, तो वहाँ पे ज़्यादा डार्क नहीं देंगे। और देखो जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं या फिर स्टिल लाइफ या कुछ भी, तो थोड़ा सा बेस में उसे थोड़ा सा डार्क कलर देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखो शैडो होती है वो, तो मैंने ब्लैक कलर दे दिया और उसके आजू बाजू में थोड़ा सा व्हाइट कलर चला लिया। अब इसे हम ब्लेंड करेंगे ताकि वो अच्छे से ज़मीन पर रखे हुए ऐसा इफेक्ट दिखाई दे इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर दे दिया बाजू में व्हाइट, और अभी इसे अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से ज़मीन पर रखे हुए ऐसे दिखाई दे। हमेशा याद रखो शैडो देना बहुत इम्पोर्टेंट है, शैडो कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो देखो कितने खूबसूरत तरीके से हमारा ये ऑरेंज तैयार हो गया है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा।